जय माता की साथियों, आप सभी का रेनू फूड एटिक में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि अष्टमी नवमी आने वाली है। कुछ भक्त अष्टमी पूजते हैं, कुछ भक्त नवमी पूजते हैं। तो इस शुभ दिन में हलवा चना पूरी का प्रसाद बनाकर कंचिकाओं को भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो इस शुभ अवसर पर मैं भी आप लोगों के साथ हलवा चना की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो झटपट बनकर तैयार होगा। दिखने में और खाने में इतना टेस्टी होगा कि सब बार बार मांगेंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे भी आप और मैं मिलकर इसी तरह मज़ेदार मज़ेदार रेसिपीज़ बनाते रहें। और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई मज़ेदार रेसिपी अपलोड करूं तो आपको झट से नोटिफिकेशन मिले और आप फट से वीडियो देख लें। तो चलिए बनाते हैं हलवा चना प्रसाद। काले चनों को मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था। देखिए अच्छे से फूल गए हैं ये। इन्हें अगर हम 8-10 घंटे अगर भिगा के रखें तो बहुत अच्छे से फूल जाते हैं ये चने। मैंने 4 मुट्ठी लिए हैं। वेट में अगर बोलें तो 200 से 250 ग्राम के बीच में हैं। अब इन्हें हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। इसमें चनों को डाल देंगे सारे। पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमने इसमें। हमें बस इतना पानी डालना है कि चने अच्छे से डूब जाएं। मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है। देखिए चने अच्छे से डूब गए हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है मैंने। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक। आप अपना कोई भी रेगुलर नमक यूज़ कर सकते हैं। अब हाई फ्लेम पर 5 सीटी देंगे। आइए तब तक हम चने के लिए मसाला बना लेते हैं। 1 छोटी चम्मच भरकर धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। खट्टे के लिए मैं यहाँ पर 3/4 छोटी चम्मच डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रही मैं, उसकी जगह पे हरी मिर्च लूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए बन रहा है और लाल मिर्च पाउडर जो है हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च भी मैंने 1 बारीक काटी है। इसे मैं इसमें नहीं डालूंगी, मसाले में नहीं डालूंगी, इसे मैं बाद में डालूंगी। तो 1 हरी मिर्च काटी है मैंने, क्योंकि बच्चे मिर्च वाला खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। अगर एकदम से हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो मसाले के लम्स बन जाते हैं। अब इसे साइड में रख देते हैं, मसाले भी फूल जाएंगे। इसमें आ गई है 5 सीटी। अब गैस ऑफ कर देंगे और इसे अपने आप ठंडा होने देंगे। तब तक हम हलवा बना लेते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने देखिए कितनी कितनी क्वांटिटी ली है। 1 कप मैंने सूजी ली है, 1 कप खांड ली है और 3/4 कप मैंने घी लिया है। तो आप जिस भी चीज़ से मेज़रमेंट कर रहे हैं तो वो एक ही चीज़ से आप तीनों चीज़ों को मेज़रमेंट करेंगे। इसमें से कोई चीज़ अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी तो हलवे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, आप चीनी भी ले सकते हैं, मिश्री भी ले सकते हैं। मैं खांड का यूज़ कर रही हूँ। और कुछ लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। बादाम मैंने इस तरह से टुकड़ों में काटा है। सूखा नारियल गोला लिया है मैंने, उसे इस तरह से छोटे छोटे पतले टुकड़ों में काटा है। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। थोड़ी सी किशमिश ली है, थोड़े काजू लिए हैं, इन्हें मैंने छोटे टुकड़ों में काटा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हलवा बनाना। हलवा बनाने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, आप कोई भी बर्तन में बना सकते हैं। पहले इसमें मैं 1 चम्मच घी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा भुनना है। तो फ्लेम करनी है लो फ्लेम पर भुनना है। तो पहले मैं यहाँ पे बादाम डाल देती हूँ, काजू। ड्राई फ्रूट्स को भुनकर यूज करने से जो रेसिपी है उसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। अब इसमें मैं गोला डाल देती हूँ, इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं, और किशमिश। अब इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है कि ब्राउन करना है, ऐसा कुछ नहीं है।
थोड़ा सा हल्का सा इसे हम भुनेंगे। अब इसमें डाल देंगे घी। मैंने गाय का घी लिया है, प्रसाद बनाने के लिए गाय के घी का ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि गाय का घी शुद्ध होता है। फ्लेम लो ही रखेंगे, सूजी को हमें लो फ्लेम पर भुनना है क्योंकि अगर हम मीडियम फ्लेम पर भी सूजी को भुनेंगे तो बहुत जल्दी जलने लग जाएगी और अच्छे से भुनेगी नहीं। लो फ्लेम पर सूजी बहुत अच्छे से भुनेगी धीरे धीरे। अब इसमें सूजी डाल देते हैं। अगर आप हलवा बनाते वक्त घी का कम यूज़ करना चाहते हैं तो 1 कप सूजी में आप 1/2 कप घी ले सकते हैं। सूजी जब तक भुनती है तब तक हम दूसरे चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। ये पानी हम हलवे में यूज़ करेंगे। पानी को उबालना नहीं है, हमें बस गर्म करना है पानी। पानी हो गया है गर्म, गैस ऑफ कर देते हैं। जब ऐसे कलर हो जाए, ब्राउन कलर में हो जाए सूजी, तो सूजी भुन चुकी है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी हम कितना डालेंगे, जितनी हमने सूजी ली है उसका 3 गुना हम पानी डालेंगे। इससे सूजी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो मैंने 1 कप सूजी ली थी तो मैं 3 कप पानी डालूंगी। यहीं पर ही मैं ऐड कर देती हूँ मीठे के लिए खांड। देखिए खांड डालने के बाद हलवे का कलर और डार्क हो गया है। 1/4 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इलायची पाउडर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फ्लेम मैंने अभी भी लो रखी हुई है, लो फ्लेम पर धीरे धीरे हलवा जो है पकते हुए फूल रहा है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को इसी टाइम पर डाल सकते हैं, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट्स को बाद में डालूंगी जिससे वो क्रंची बने रहेंगे। देखिए जब पहले मैं सूजी को भून रही थी घी के साथ में तो आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा घी यूज़ कर रहे हैं। अभी देखिए घी का पता ही नहीं लग रहा कि इतना घी यूज़ हुआ था। लो फ्लेम पर इसी तरह से हम हलवे की भुनाई करते रहेंगे। देखिए सूजी जब इस तरह से थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, पानी इसमें नहीं है, घी की चमक नज़र आ रही है। तो अब यहाँ पर हम गैस कर देंगे ऑफ और अब इसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए हलवा भी इतना गीला दिख रहा है, अभी ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और सख्त हो जाएगा। तो हलवा तो हो गया है रेडी। चलिए अब चने बनाते हैं, चने भी ठंडे हो गए होंगे। देख लेते हैं चने पके हैं या नहीं पके हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसी परफेक्ट चाहिए हमें, कोई ज़्यादा जोर नहीं लग रहा है हमें दबाने में। देखिए इजीली दब जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गले भी नहीं है। चने बनाने के लिए मैंने स्टील की कढ़ाई ले ली है, आप नॉन स्टिक की लीजिए, लोहे की कढ़ाई लीजिए, जैसा मर्जी आप बर्तन ले लीजिए। मैंने 3 चम्मच घी ले लिया है, हम चने को घी में ही बनाने वाले हैं। घी में बनाने से चने का स्वाद बहुत बढ़िया आ जाता है। मतलब ये समझ लीजिए चने बनाने की रेसिपी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो घी का है। घी जैसे ही गर्म हो जाए इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा तड़कने के बाद अब इसमें हम मसाला डालेंगे जो हमने बनाया था। यहीं पर ही मैं डालूंगी हरी मिर्च। यहाँ पर डालेंगे 1 छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी, इसे मैंने थोड़ा सा भून लिया था और फिर इसे थोड़ा सा मैंने उंगलियों से पीस दिया है। कसूरी मेथी डालने से भी चने का फ्लेवर बहुत ही यमी हो जाता है। मसाले देखिए भुन गए हैं, जो घी है वो अलग हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे चने। चनों को हम पानी समेत डालेंगे। अब हाई फ्लेम पर चने का जितना भी पानी है उसे हम सुखा लेंगे। जैसे ही पानी इतना सूख जाए इसमें अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। अगर आप चने तेल में बनाते हैं, रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं, तो आप उसे छोड़कर एक बारी घी में बनाकर देखिए, आपको घी में बने चने बहुत ही यमी लगेंगे। देखिए पानी सारा सूख गया है और नीचे भी लगने लग गया है, तब इस गैस हम कर देंगे ऑफ। देखिए कितने बढ़िया मसालेदार चने बने हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। आइए अब सर्व करते हैं। देखिए मैंने हलवे को और मज़ेदार दिखने के लिए मैंने सूजी को एक ट्रे में फैला दिया और इसे बर्फी की तरह पीस में कट कर दिया है और पिस्ता और बादाम से टॉपिंग कर दिए ऊपर से, जिससे हलवा एक मिठाई की तरह लग रहा है।
इस तरह से बच्चे देखते खुश हो जाएंगे और बड़े शौक से खाएंगे। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो। इस रेसिपी के रिगार्डिंग अगर कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिखकर मेरे से ज़रूर शेयर करें। तो जल्दी मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। मेरी आज की रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।